हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज है 15 अप्रैल एंड टुडे इज़ अ बंगाली न्यू ईयर, सो विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सुबह नव वर्ष हो। आज का हम लोगों ने प्लान किया है कि विल गो आउट। एक रिजॉर्ट है दैट इज़ इन जंगल, दैट ये है अपना क्या बोलते हैं ये बिदर में है, कुछ 160 किलोमीटर से। हम लोग थोड़ा लेट हो गए, अभी टाइम कुछ 12:45 हो रहा है। हम लोग 10 o'clock का बनाया था, बट एक ऑफिशियल काम की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और रास्ता को बताते हैं एंड विल शो यू कि क्या क्या है उस रिजॉर्ट में एंड सफारी एंड एवरीथिंग। इन द मेन टाइम शोइंग यू वन ब्यूटी जो मेरे को बहुत पसंद है। अभी हम लोग आ गए हैं अप्पा जंक्शन। सो अगर आप लोगों ने पहले के हमारे जो ब्लॉग्स देखे होंगे, मोस्टली हम लोग फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से जाते हैं, बट ये अपना देखिए ऊपर लिखा है TSPA, दैट इज तेलंगाना स्टेट पुलिस अकेडमी। ये सेम ओआर कनेक्ट करता है, ओआर में चढ़ेंगे देन विल गेट डाउन टू पतनचेरू से सेम हम लोग जो बॉम्बे गोवा हाईवे जाएंगे वहाँ से बिदर के लिए निकलेंगे। हमारा फेवरेट एग्जिट जो कि है पतनचेरू वाला एग्जिट नंबर थ्री है। अभी लिया ठंडा नहीं है नारियल पानी जो कि है 30-30 रुपए का। इसको थोड़ा सिरदर्द हो रहा था। हम लोग पहले चाय का प्लान करे थे, मैंने कहा क्या शुगर है उसमें बहुत ज्यादा होगा, ये ज्यादा बेटर है। और आज काफी ट्रैफिक है इस रास्ते में, वैसे तो हमेशा ही रहता है बट आज काफी अनऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिक है। ये ट्रैफिक टिल ना IIT हैदराबाद तक रहता ही रहता है, कुछ भी कर लो और कोई इसको हाईवे नहीं बोलेगा। इतना सेटलमेंट अगर ये हाईवे के आजू बाजू हो जाता ना, विल थिंग्स बिकम कंजेस्टेड वेरी मच। ये है IIT हैदराबाद। आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ ब्लॉग में एंट्री मारने के लिए, बिकॉज आई हैड सम आई इन्फेक्शन, कुछ हो गया यहाँ पे स्वेलिंग सा, तो मैं उसको लेके थोड़ा सा इरिटेटेड थी। बट देन या अभी जर्नी स्टार्ट हो गई है, खुश हूँ अभी, बट थोड़ा सा एक इरिटेशन है अभी भी। हम लोग आ गए अपने स्टॉपेज पे, फर्स्ट स्टॉपेज, बट ये हमारा ऑफिशियल स्टॉपेज नहीं था आज का, ब्रेकफास्ट स्टॉपेज था। बट अभी गड़बड़ की वजह से हमको यहाँ पे कुछ खाना पड़ेगा, लंच का टाइम हो भी चुका है। लंच एक्चुअली रिजॉर्ट में प्लान था बट हम लेट हो गए हैं, वहाँ पे 2:30 इज द क्लोजर, इस वजह से हमको अभी कुछ तो खाना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया छोले भटूरे, थाली है और रोटी सब्जी है। तो ऑर्डर छोले भटूरे और दो कॉफ़ी, 2 बज रहे हैं, क्या करें। हमारा आ गया लंच, छोले भटूरे दोनों का एक ही है, आलू की सब्जी और वो छोले है, छोले हैं। तो टेस्ट करके बताते हैं कैसा है इसका। कैसा है? अच्छा, चलो मैं भी खा के देखता हूँ। भटूरे ज़्यादा टेस्टी है, छोले थोड़ा कम टेस्टी है। ओह, भटूरे ज़्यादा टेस्टी है, पर ठीक है, इट्स गुड। सो हमारा सो कॉल्ड लंच कंप्लीट हो गया। लंच नहीं है, ब्रंच था। हाँ, ब्रंच था। होप्स हो कि रिजॉर्ट में पहुँच के हम लोग को मिल जाए, बट हम लोग लेट हो जाएंगे। गलती उनकी नहीं है, गलती अपनी है, बट वी होप। हम लोगों को बोला तो है कि भाई 3 o'clock हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, पता नहीं क्या है, देखते हैं अभी। थैंक
सफर। यहाँ पर हमने एक्चुअली राइट ले लिया था हाईवे से, थोड़ा सा और आगे जाते तो महिंद्रा का ट्रैक्टर का फैक्ट्री है ज़हीराबाद। तो यहाँ कुछ कुछ जो ये लैंड वगैरह है सब उन्हीं का है आई गेस, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। अब हम यहाँ से लेंगे राइट, कुछ ज़हीराबाद बीदर रोड, और यहाँ पे एक साइन बोर्ड है गुरुद्वारा बीदर। बीदर में एक्चुअली बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, उसी का ही साइन बोर्ड है, और यहाँ से अभी कुछ 23 किलोमीटर हमें स्ट्रेट जाना है। ये एक कुछ वाटर रिजर्वायर है, बहुत पुराना लग रहा है ये, पता नहीं क्या टाइम ऐसे रोक के रखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन तो हो रही है। कर्नाटक में नेक्स्ट मंथ भी इलेक्शन का टाइम है ना इन कर्नाटका, बहुत हम लोग को रोक के पूछा गया कि आपके पास कैश है कि नहीं है, आप कहाँ जा रहे हो। तो सारे बैग्स हमारे पास, दो लैपटॉप बैग्स हैं, वो भी उन्होंने देखा, एक पिलिका का पर्स था के पीछे का डिक्की खुलाया, जहाँ पे वो स्पेयर टायर रहता वो चेक करवाया, फिर बोले कहाँ जा रहे हो, ब्लैक बक रिजॉर्ट। कितना ले रहे हैं? मैंने बोला 2001 का ले रहे हैं। अच्छा 4000 हो गया, हम बोला वनडे बनना ही था। गाइस इट्स वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, खैर चेकिंग तो हो रही है, ऐसा कुछ बोला नहीं, चेक किया पूरा। देन वो लेडी पुलिस का फर्स्ट स्टेटमेंट था कि कैश है आपके पास, कैश का जब पूछा गया कैश कितना है, नहीं कैश है कि नहीं है, दो तीन बार मेरे से पूछा पीछे के बंदे ने, उन्होंने कैश नहीं है। ऐसे ट्रिप में ना सीरियसली हम सैमी को मिस करते हैं। एक बार याद है हम लोग एक बार ऐसी चेकिंग में रुके थे, उन्होंने रुका हमको, फिर जैसे ही देखे कि पीछे सैमी है तो दे वाला कि नहीं आप लोग जाइए करके। सैमी शुड बी हियर, आज तो है नहीं सैमी हमारे साथ इस ट्रिप में, बिकॉज फॉरेस्ट एरिया में था रिजॉर्ट एंड वो पेट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं था। घर पे सैमी है बट नो प्रॉब्लम, आज उसकी फैमिली वो लोग आएंगे शाम में, उसको घुमा के बोलो। यहाँ भी पुलिस है, मैं फाटा बोलती हूँ। अच्छा
बिदर एंटर कर चुके हैं. बिदर सिटी है ये. ये कुछ मार्केट पुलिस स्टेशन बिदर. एंड देखा जाए तो हम हाँ बिदर में ही हैं, क्योंकि अभी कुछ स्कूल्स एंड कॉलेजेस वगैरह भी क्रॉस हुए हैं. घूम के उस तरफ जाना है. राइट, ये बैंक ऑफ बड़ौदा भी है यहाँ पे, यहाँ से हम स्ट्रेट जा रहे हैं. ये कर्नाटका राष्ट्रीय एजुकेशन सोसाइटी है बीदर का. जगह से हमारा डेस्टिनेशन अभी भी कुछ 19 किलोमीटर बता रहा है एंड टाइम बता रहा है कुछ 35 मिनट. यहाँ बीदर में एक फोर्ट है, बीदर फोर्ट. तो ये जो आप दूर में देख रहे हैं गेट्स, शायद उस फोर्ट के ही हैं. यहाँ से एक सिग्नल के बाद एक जंक्शन है, वहाँ से हमने लेना है राइट. हाँ, राइट. तो सिटी के अंदर आप कुछ मतलब था नहीं. यहाँ पे एंट्री मिल गया है. ये हम स्ट्रेट ले रहे हैं. एक्चुअली मैं आज थोड़ा धीरे धीरे ही बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों. और यहाँ पे एक बोर्ड है, भलकी उदगिर लातूर नांदेड़, चार जगह का नाम था. तो यहाँ से भी हमारा डेस्टिनेशन है कुछ 12 किलोमीटर. टाइम बता रहा है 20 मिनट चलते हैं. थोड़ा सा ट्रैफिक फ्री लग रहा है इस एरिया में. बहुत टाइम बाद अभी एक प्रॉपर हाईवे रोड आया सिटी के थोड़े चक्कर काटने के बाद. मस्त रोड है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है. ग्रेट व्यू, ग्रेट व्यू. फेस्टिवल लगता है, ये एक मंदिर में कुछ पूजा है शायद. यहाँ पे एकदम झगमग झगमग है. हाँ वैसे भी तो सब जगह न्यू ईयर ही है ना. कल वैसाखी थी, आज बंगाली न्यू ईयर है. सो गेस समथिंग इज गोइंग ऑन. ये मेन रोड से ना वी हैव टू टेक दिस स्लाइट लेफ्ट टर्न. ये पूरा कच्चा रोड है. डॉग्स आर वेलकम टू अस. बहुत लंबा कट है. उनको पता था शायद सारी आएगी, बट दे वर डिसअपॉइंटेड. मौसी नहीं आई आज.
ये ना किसी मैंने रिव्यूज में देख रही थी ब्लैक बक के, उसमें किसी ने लिखा था कि लास्ट का 2-3 किलोमीटर थोड़ा सा रफ रहेगा करके। बढ़िया कि गाड़िया मतलब रोड प्लेन है, कच्चा है, बट आराम से निकल रहा है। खैर अभी शुरुआत ही है, देखते हैं आगे। 2 किलोमीटर्स बता रहा है। हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन में।